मैं एके राय आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथ्स विद एके राय पर स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हम लोग SSC किरण 9100 प्लस बुक के क्वेश्चंस को सल्व कर रहे थे और हम लोगों ने क्वेश्चन सल्व कर रखा था आपको टाइप 3 तक। तो आज हम लोग टाइप 4 प्रारंभ करने वाले हैं और इसमें जो 3 क्वेश्चंस हैं उन्हें हम आज देखेंगे। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं टाइप 4 के पहले क्वेश्चन से और देखते हैं पहला क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है। तो पहले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 2/3 भिन्न 1/3 के कितने प्रतिशत है। 2/3 जो है वो भिन्न 1/3 का कितना प्रतिशत है। तो पहला क्वेश्चन 2/3 के बारे में पूछा जा रहा है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है। तो 1/3 के रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है कि 2/3 जो है 1/3 का कितना प्रतिशत है। तो 1/3 डिनोमिनेटर में चला गया और गुणे हम यहाँ 100 कर देंगे और यहाँ पर सिंबल के रूप में प्रतिशत लगा देंगे। तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया और 2 × 100 अर्थात 200% जो होगा वो इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 2 नंबर मेरा क्या कह रहा है। तो 2 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि और उसके हर में 5% की कमी कर दी जाए तो नई भिन्न का मान 5/2 हो जाता है, तो प्रारंभिक भिन्न क्या है। प्रारंभिक भिन्न के बारे में पूछा जा रहा है। तो ध्यान दीजिए, हमने मान लिया कि प्रारंभिक भिन्न मेरा x बट्टा क्या है, y है। x बट्टा क्या है, y है, अर्थात x मेरा अंश है और y मेरा क्या है, हर है। अब बोला गया कि अंश में 20% आप बढ़ा दीजिए, तो 20% जब बढ़ाएंगे तो ये बढ़कर कितना परसेंट हो जाएगा, तो 120% हो जाएगा। और हर में कह रहा है कि 5% घटा दीजिए, तो ये घटकर कितना परसेंट हो जाएगा, तो 95% हो जाएगा। तो जो भिन्न का रिजल्ट आ रहा है वो कितना आ रहा है, तो वो बोला जा रहा है कि आपका 5/2 है। तो मूल भिन्न पूछा जा रहा है, मतलब एक्स बट्टा वाई आपसे पूछा जा रहा है। अब कैंसिल करिए, प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल और 5 से ये कितने बार में कैंसिल, 24 बार में कैंसिल होगा। तो x/y जो होगा वो क्या हो जाएगा, तो 24 × 48 अर्थात बट्टा में 48 हो जाएगा और 95 ऊपर चला जाएगा। तो 95/48 जो होगा वो इस प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। 3 नंबर प्रश्न को देखा जाए कि 3 नंबर मेरा क्या कह रहा है, ध्यान देंगे। 3 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक आदमी ने अपनी पूंजी का 1/3 भाग 7% पर, 1/3 भाग को उसने 7% पर लगा रखा है। फिर कह रहा है कि 1/4 भाग को 8% पर, 1/4 भाग को 8% पर लगा रखा है और शेष को 10% पर निवेश किया है। शेष जो बच गया, रिमेनिंग पार्ट जो बच गया, उसे कितने पर लगा दिया, 10% पर लगा दिया। तो कह रहा है यदि कुल उसका वार्षिक जो इनकम है, जो आय है, वो 561 रुपया है, तो पूंजी क्या था, 561 कह रहा है कि टोटल 561 था। हम कहीं लिख देते हैं यहाँ पर 561 जो है उसका टोटल इनकम है। ध्यान देंगे, देखिए सबसे पहले तो रेशियो बनाना पड़ेगा उस भाग का कि वो पार्ट का रेशियो क्या है। यहां पर 1/3 है, यहां 1/4 है, तो हम 4 और 3 का एलसीएम लेंगे। तो बोलिए 4, 3 का जो एलसीएम होगा वो मेरा क्या होगा, 12 होगा। तो 12 का 1/3 करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, 4। अर्थात मान लीजिए ये पार्ट 4 है रेशियो में, और 12 का 1/4 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3। तो ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, तो 4 सॉरी ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, तो 4 × 3 = 7 हो गया, और 12 टोटल था, तो 7 हमने यूज कर लिया, तो शेष कितना बच गया, 5 बच गया। अब गौर करेंगे, आप ऐसे बोल सकते हैं कि उसके पास टोटल 12 रुपया था, जिसमें 4 रुपए को, फिर 3 रुपए को और 5 रुपए को लगाया। कैसे निवेश किया भाई, तो 7% पर, 8% और 10% पर। तो टोटल इसका इनकम क्या हुआ वो पहले हम देखते हैं। तो यहां जब इसने 7% पर लगाया, तो आप डायरेक्ट यहां गुना कर सकते हैं किससे, इसमें गुना कर लीजिए 7 से, यहां आप गुना कर लीजिए किससे, 8 से, और यहां आप गुना कर लीजिए किससे, तो 10 से। लेकिन अगर इसे ऐड करते तो 4, 3, 7, 7, 5, 12, लेकिन टोटल पर मेरा क्या हो रहा है ये पता नहीं है कि टोटल पर मेरा निवेश कितना हुआ, टोटल पर मेरे को इनकम कितना हुआ प्रतिशत की भाषा में। तो हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो 7 × 4 = 28 और 38 × 24 और यहाँ 10 × 5 = 50 बराबर आपका क्या हो गया, 12x। तो यहाँ से जब कैलकुलेट करेंगे हम तो मेरा कितना आ जाएगा, देखिए 50 और 20 = 40, 90 और 90 और 12,
90 और 12 102 हो जाएगा। तो x का वैल्यू जो आएगा वो 102 बट्टा कितना होगा, 12% हो जाएगा। 102 बट्टा 12% टोटल पर 102 बट्टा 12% उसको इनकम हुआ। अगर इसे आप कटाना चाहते हैं तो आप इसे कटा भी सकते हैं। अगर आप इसे कटाना चाहते हैं तो आप इसे कटा करके छोटा कर लीजिए। वहां से देखिए, यहां से कटाएंगे तो ये दो बार में 51 और 6, अर्थात 51 बट्टा 6% हो गया। अब समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, टोटल मेरा जो आय हुआ वो प्रतिशत की भाषा में कितना हुआ, तो प्रतिशत की भाषा में 51/6% हुआ। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि मेरा आय कितना है, 561 रुपया है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर इसका 561 का कंपेरिजन हम कर देंगे। ये 561 का कंपेरिजन हम कर देंगे किससे, 51/6 से। किससे करेंगे, 51/6 से। अब हमें चाहिए क्या, तो हमें चाहिए वो धन क्या है, वो राशि क्या है। तो राशि हमेशा 100 होती है, हमने 100 से यहाँ गुना कर दिया। तो 51 से बोलिए कितने बार में चला जाएगा, तो 51 से लगता है 11 बार में चला जाएगा। 11 पचे 55, हाँ ये चला जाएगा 11 बार में। तो 11 बार में चला गया तो 11 66, अर्थात 6600 रुपया जो होगा वो पूंजी होगी, वो धनराशि होगी। ध्यान देंगे इस क्वेश्चन को बारीकी से एक बार और समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव आपको दिया गया है, और अगर आप ये अप्रोच नहीं लगाते हैं तो इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा समय आपका व्यतीत होगा।